यस बेटे, अज आपां कहानी सांझी कंध करांगे। वन मार्क क्वेश्चन जिहड़ी आपां रीडिंग कर चुके हां लास्ट वीक, और विसाखी का मेला कविता दे नाल रिलेटेड वन मार्क क्वेश्चन ते कवि नाल रिलेटेड। कवि है धनी राम चात्रे। उस तो पहलां बेटे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। सब तो पहला पेपर च होएगा पढ़न क्वेश्चन, इस तरह लिखा होगा। और पहला पैरा अणडिठा वार्तक पैरा नू पढ़ो ते प्रश्नों दे उत्तर लिखो। फिर अणडिठा वार्तक पैरा दूसरा, नेक्स्ट है अणडिठी काव टुकड़ी। ईच पार्ट फॉर फाइव मार्क्स, ईच पार्ट फॉर फाइव मार्क्स। कितने रे हो गए बेटे? 5 + 5 + 5 15 मार्क्स। ठीक है, सेकंड पार्ट होना है इथे अंडिठी काव टुकड़ी भी 5 मार्क्स ही होगी बेटे। नेक्स्ट है तुहाडा व्याकरण, व्याकरण बेटे तुहाडी है 10 मार्क्स। ठीक है, 15 नंबर की तुहाडी है बुक पाठ पुस्तक, जिदे विचों कविता दे 4 नंबर दे क्वेश्चंस नोट कर लो, काव्य रचनावां दे 4 नंबर दे क्वेश्चंस, 6 नंबर दे है तुहाडे वार्तक लेखां दे क्वेश्चंस। एक बारी तुहानूं सारा क्लीयर कर दिंदे हां बेटे, ध्यान नाल देखो। कविता दे 4 नंबर दे क्वेश्चंस। यस बेटे, व्याकरण 12 नंबर दी करो, 10 मार्क्स ही नहीं है 12 नंबर दी है, क्योंकि 3 पार्ट्स है। 4 नंबर दे विरोधी शब्द, 4 दे लिंग बदलो, 4 दे शुद्ध करो। देन कवितावां दे विचों 5 नंबर दे क्वेश्चंस, 5 नंबर 2 कवितावां 5 क्वेश्चंस आणगे बहुविकल्पी। कहानी दे विचों 4 नंबर और वार्तक दे विच्चों 4 नंबर। 13 नंबर दी तुहाडी बुक है, क्योंकि 12 नंबर दी तुहाडी की है ग्रामर। 25 मार्क्स हो गए बेटे, ते 15 नंबर की है रीडिंग स्किल। और राइटिंग स्किल ए वाले पेपरां च है ही नहीं। राइटिंग स्किल मीन ना पत्र है, ना ही ऐसे है, ओ ना कोई पैरा रचना, ना तस्वीर वर्णन, वो तुहाडे सेकंड टर्म दा पार्ट है। ठीक है बच्चे, हुण आपां गल करिए, पहला कहानी लिख ली है, कहानी दे वन मार्क क्वेश्चंस नोट करो। सांझी कंध कहानी किसी लिखी हुई है बेटे? संतोख सिंह धीर दी। नोट करो, संतोख सिंह धीर दी कहानी सांझी कंध। अपां लेखक नाल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि लेखक संतोख सिंह धीर केड़ी सोच वाला लेखक होया? प्रगतिवादी सोच, प्रगतिवादी सोच। उसने नावल भी लिखे, स्वै जीवनी भी लिखी, सफरनामा भी लिखिया, बहुत सारे जड़ी मीन्स ओह एक उच्च पद्धर का साहित्यकार होया, जिन्हें बहुत सारिया रचनावां रचिया, जिन्हां विच कहानी भी, नावल भी, कवितावां भी, इत्थों तक कवितावां भी लिखिया संतोख सिंह धीर ने। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हुण नेक्स्ट है बेटे उसी पक्षी कहानी संग्रह क्वेश्चन मैं तुहानूं करवा चुकी हाँ। पक्षी कहानी संग्रह साहित्य अकादमी वालों अवार्ड मिलिया, सम्मानित किया गया। कि कहानी संग्रह पक्षी उहदे विच बहुत सारे दित्ते होणगे कि किहड़े? पोतरे का गीत, अग दे पत्ते, ठीक है, दैन सांझी कंध, सवेर होण तक। पर किनू मिलिया? पक्षी नूं। और उहनां दीआं बहुत सारीआं काव्य रचनावां भी ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੇਖਕ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵੀ? ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
कपूर सिंह ते दरबारा सिंह, कपूर सिंह ते दरबारा सिंह। मीह दे कारण किसी कंध ढह गई है कपूर सिंह दी, उसी सज्जी कंध वाल कौन रहिंदा है, सज्जे पासे वाली कंध वाल राम कौर, चाची राम कौर। सज्जे पासे वाली कंध नाल कौन रहिंदा है, चाची राम कौर दी कंध सांझी है उसके पिछे। कौन रहिंदा है, चन्नन सिंह चिन्नीए दी आबादी है पिछे, किसी आबादी है चन्नन सिंह चिन्नीए दी आबादी है, चन्नन सिंह चिन्नीए दी आबादी है। सांझी कंध दे क्वेश्चन लिखो बेटे, चन्नन सिंह चिन्नीए दी आबादी किथे है, ये क्वेश्चन आ जाए। दरबारा सिंह दी कंध दे सज्जे पासे, खब्बे पासे के पिछले पासे, पिछले पासे किसी आबादी है, चन्नन सिंह चिन्नीए दी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बरादरी नाम लिखा होया उत्थे, चन्नन सिंह चिन्नीए जिहड़ा सर नेम लगांदे है, चिन्नीए दी आबादी है। नेक्स्ट लिखो, यह कहानी की सुनेहा दिंदी है, यह कहानी की सुनेहा दिंदी है कि दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की चुक विच आ जाना चाहिए, दूसरों की चुक विच नहीं आना चाहिए, दूसरों दी गल्लां विच नहीं आना चाहिए, जो दूसरों दी गल्लां विच आ जाना चाहिए, जो अपना काम अपनी मर्जी अनुसार करना चाहिए, दूसरों दी गल विच नहीं आना चाहिए, क्योंकि इत्थे कौन किसी चुक विच आ गया, दरबारा सिंह सरपंच दी चुक विच आके उसने अपना काम बिगाड़ लिया, भरा भरा दा दुश्मन बन गया। क्वेश्चन लिखो अगे, सांझी कंध कहानी दे पात्र कपूर सिंह दी आर्थिक व्यवस्था क्यों जी, आर्थिक अवस्था क्यों जी है, आर्थिक अवस्था क्यों जी है। ऑप्शंस है, लिखो ऑप्शंस, आर्थिक पक्षों कमजोर, आर्थिक पक्षों कमजोर, आर्थिक पक्षों आम सुधरी हुई, दरमियाने दर्जे दी, दरमियाने दर्जे दी, जा कंगाली वाली हालत, उसी हालत दरमियाने दर्जे वाली है, दरमियाने जा आर्थिक पक्षों कमजोर, उड़ा ते ईड़ी पाग, दरमियाना मीन्स मीडियोकर, एक हुंदा मिडिल क्लास, एक हुंदा लो लेवल, एक हुंदा हाई लेवल, दरमियाना मीन्स मीडियोकर। नेक्स्ट, सांझी कंध कहानी वेच किसा घर सारा ढह गया, दरबारे दा, राम प्यारी राम कौर दा, चन्नन सिंह चिन्नीए दा के कपूर सिंह दा, कपूर सिंह दा घर सारा ढह गया। नेक्स्ट, 10 बीघे जमीन किसने गहने रखी, दरबारा सिंह ने, कपूर सिंह ने, चन्नन सिंह चिन्नीए ने, सरपंच ने। कपूर सिंह ने 10 बीघे जमीन गहने रखी, दरबारा सिंह इस कहानी वेच कपूर सिंह दा की लगता है, वड्डा भरा, चाचे दा पुत्तर, ताए दा पुत्तर, चाचे दा पुत्तर, ताए दा पुत्तर, बोलो बच्चे की लगता है, जा वड्डा भरा, चाचे दा पुत्तर। पहले पैरे विच लाइन आंदी है, चाचे दे पुत्तर नाल ओदी कंध सांझी सी, चाचे दा पुत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरबंसो किसी बेटी है, हरबंसो किसी बेटी है। जदों दरबारा सिंह बीमारी दी हालत विच है तो कपूर सिंह उसका हाल चाल पुछन जांदा है, तो वह कपूर सिंह नूं देख के उसनूं लगता है कि मेरा अपना आ गया, तो उहदे अगे की गल सांझी करदा है कि आपां हरबंसो दा विआह कर देना। हुण हरबंसो किसी बेटी हुई फिर दरबारा सिंह दी, उत्थे ऑप्शनस की आन गया, पटवारी दी, सरपंच दी, कपूर सिंह दी, या दरबारा सिंह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कपूर सिंह नूं दरबारा सिंह दे बीमार होने की खबर किसने दिती? ऑप्शन है पटवारी ने, राम कौर ने, हरबंसो ने, जां सरपंच ने? चाची राम कौर ने, एड़ा ऑप्शन करेक्ट होएगी। चाची राम कौर ने दसिया कि तू किथे भुलिया फिरदा है, तेरे भरा की हालत देख जाके उता दिनों दिन मंजे तो लहिंदा जांदा है, लहिंदा मीन्स मन किनारे पहुंच रहा, उहदी हालत तां दिन ब दिन निगरदी जा रही है। सज्जी कंध है चाची राम कौर, सज्जे पासे वाली कंध उसकी सांझी है। नेक्स्ट, दरबारी नूं केड़ी बीमारी हो गई है? मलेरिया, टाइफाइड, नमोनिया के डेंगू? नमोनिया हो गया है, ईड़ी भाग, ऑप्शन ईड़ी भाग ठीक है, नमोनिया। दरबारा सिंह केड़ी बीमारी का शिकार हो गया है? नमोनिया। निमोनिया जिहदे विच साह आना मुश्किल हो जाता है, जिन्हों अस्थमा भी कहते हैं, कि जे निमोनिया बिगड़ जाए तो जिंदगी बचनी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर सिंह नूं लाठी किसने मारी सी? दरबारे ने, एड़ा भाग सरपंच ने, ईड़ी भाग पटवारी ने, सस्सा भाग दरबारे दी पत्नी ने? दरबारे ने, उड़ा भाग दरबारे ने लाठी मारी सी। नेक्स्ट, हरबंसो दे व्याह दी गल दरबारा किस नाल करदा है? सरपंच नाल, कपूर सिंह नाल, पटवारी नाल, चाची राम कौर नाल? कपूर सिंह नाल। नेक्स्ट, कपूर सिंह दी हिमायत कौन करदा है? टुंडा लंबड़दार, जेड़े साथ विच बैठे ने सारे, टुंडा लंबड़दार, पटवारी, पटवारी दा नाम की आया? रतन पटवारी। रतन पटवारी दा नाम की है? राम रतन। नोट कर लो, पटवारी दा नाम राम रतन, राम रतन पटवारी दा नाम है। कौन उसे पक्ष विच बोलदा है? पटवारी दे पक्ष विच कौन बोलदा है? टुंडा लंबड़दार, राम रतन पटवारी, सरपंच या राम प्यारी, सॉरी राम कौर? टुंडा लंबड़दार, टुंडा लंबड़दार, टुंडा लंबड़दार बोलदा है, टुंडा लंबड़दार, जो कि सारे इकट्ठे बैठे ने मंजे ते, ता टुंडा लंबड़दार हामी भरदा है। मैं क्वेश्चन था, पर मैं क्या, हमायत कौन करता है कपूर सिंह दी? क्वेश्चन है, कपूर सिंह दी हमायत कौन करता है? उसके पक्ष विच कौन बोलता है? टुंडा लंबड़दार। नोट करो, टुंडा लंबड़दार। सारे यही क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, सांझी कंध वाले जिहड़े मैं लिखा रही हूँ बेटे, इहदे विचों सिर्फ एक या दो क्वेश्चन देने हैं, ठीक है? बाकी दो क्वेश्चन दूजी कहानी चो आणगे। चार नंबर दी है कहानी, केड़ी? जन्मदिन ते सांझी कंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबड़दार, नंबरदार, ये सारे पिंड दी पंचायत दे मैंबर हुंदे ने। जदों पिंड दे फैसले कोर्ट कचहरी तक ना जान, पहला ही पिंड दे लोग पंचायत बुला के फैसले मामले सिद्धे करवांदे ने। पटवारी, लंबड़दार, नंबरदार होर जिहड़े सरपंच, सरपंच पंचां दे पंच सरपंच, ओह कह दिंदे आ कोर्ट कचहरी की जाने है। जो पंचायत फैसला करेगी सिर मत्थे, कि एवें मामले तो लटक जाते ने, कित्थे कोर्ट कचहरियां दे विच लटक जाते हैं, खट्टे पै जाते हैं, मुहावरा खट्टे पिया होना, जिहड़े जमीना जदादा दे मामले ने छेती कितने निबड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबारा पैसे मोड़न लई क्यों ना आया? गरीबी कारण, बीमारी कारण, जां हादसा वापरन कारण? बीमारी कारण। दरबारा पैसा मोड़न क्यों नहीं आया? बीमारी कारण। सारा पिंड किसनू कोस रहा सी? दरबारे नू। सब तो पहला दरबारे ने तो सोझी उदों आई जदों बीमार हो गया,
पर पैसा ओदे कारण नहीं सी आया देन, वैसे वो अपनी तड़ी कारण ते एक गरीबी कारण नहीं से आया। वो कहना मैं भी बहुत गरीब हाँ, मैं कड़ा बड़ा भला वधिया दरबारा पैसे मोड़न लई क्यों नहीं सी आया, वैसे बीमारी कारण ही आएगा, बीमारी कारण, बीमारी कारण। नेक्स्ट है बीमारी कारण भी कह सकते हैं जां गरीबी कारण भी कहंदा है ना कि मेरे को बहुत ज्यादा पैसा है। दोनों उड़ा ते ऐड़ा ऑप्शन दोनों ही, जे सस्ता ऑप्शन आए उड़ा ते ऐड़ा ऑप्शन, फिर दोनों ही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कपूर सिंह दी दरबारे नाल की रिश्तेदारी है, तो क्लियर हो गया, चाचे का पुत है। नेक्स्ट, जब कंधा दे समय आणगे कंधा देखिया जाणगियां, ये शब्द किसने किसनू कहे। कपूर सिंह ने दरबारे नू, कपूर सिंह ने सरपंच नू, दरबारे ने पंचायत नू, या दरबारे ने कपूर सिंह नू, दरबारे ने ऑप्शन की हो गया, दरबारे ने सरपंच नू, दरबारे ने कपूर सिंह नू, या कपूर सिंह ने पंचायत नू, या कपूर सिंह ने दरबारे नू। एग्जैक्ट ऑप्शन की है दरबारे ने क्या, कंधा आएगा वक्त देखी जाएगी, जो समय आने कंधा ने समय आने, कौन कहता है तड़ी दिखाता है ना, कौन दरबारा सिंह। अगे लेना देना तो बनिया ही होया, कोई डर नहीं, अगर पिछड़ता भी ये शब्द किसने किसनू कहे। नो नो नो, जदों सारे लोग इकट्ठे बैठे जिहड़ा पक्ष पुरदा उहने क्या कहिंदा, लैणा देणा तां बणिया ही होया, कोई डर नहीं, अगर पिछड़दा वी जिहड़ा उहदा कपूर सिंह दा पक्ष पुरदा, कौन पुरदा उहने टुंडे लंबड़दार ने, किहनू कहे, दरबारे नूं कहे समझाउण लई कि क्यों तूं इहदे नाल विगाड़दा, लैणा देणा तां बणिया ही होया, अगर पिछड़ सही, जे अगे नहीं तां पिछे सही, पर तुसीं गल तां सुलझा लो सांझी कंध बनाउण दी। किन्ने कहे है टूंडे लंबड़दार ने दरबारे नूं, किथे जदों सारे फैसले लई बैठे है पंचायत दे विच। नेक्स्ट, अपने कानूं आउणा विच पटवारी जी, भाई भाई ने आपे समझ जाणगे, ये कौन बोलदा हुण तुसीं दसो। सरपंच कहिंदा अपने क्यों आउणा, क्योंकि ये चुकण वाली गल कर रहे, मलाई लाउण वाली गल कर रहे ना, उपरों अपने क्यों आना है इस इन्हां दी गल विच, भाई भाई ने आपे निबेड़ लैणगे, आपे समझ जाणगे, किन्ने के शब्द सरपंच ने। नेक्स्ट, सरपंच दा की नाम सी, रतन पटवारी, रतन, राम रतन, चन्नन सिंह, धम्मा सिंह, धम्मा सिंह, धम्मा सिंह नाम आया है, धम्मा सिंह तदे नाल, धम्मा सिंह सरपंच दा नाम है, धम्मा सिंह सरपंच है, टुंडा लंबड़दार है, ते राम रतन पटवारी है, ते चन्नन सिंह चिन्नी दी तां पिछवाड़े आबादी है। ठीक है, पिछले पासे, पिछले पासे ओदी आबादी है, ओदी बरादरी दे लोक रहंदे ने सारे, चन्नन सिंह चिन्नी दी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर सिंह तो छोटा कौन सी जो कदी उस अगे इस तरह नहीं सी बोलिया, जदों हुण सांझी कंध पिछे बोलना पिया, दरबारा छोटा है, कपूर सिंह तो वड्डा नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबारे ने इट्टा ते होर समान दा अद्ध देण लई कपूर सिंह नाल किन्नियां किश्तां बन्नियां सी, कि एक निमाणी ते देगा ते इक लोहड़ी वाले समय देगा, दो समय भी मिथे गए सन, दो किश्तां बन्नियां सी, केड़ियां केड़ियां, एक निमाणी दे समय देण लई ते इक लोहड़ी, पर दोनों तो मुकर गए। निमाणी काछी दा इक त्यौहार आंदा है हिंदू संस्कृति विच, जदों पक्षियां दित्तियां जांदियां ने मंदिर विच, चढ़ाईयां जांदियां ने, खरबूजे चढ़ाए जांदे, निमाणी काछी कहिंदे उहनूं, लोक वर्त वी रखदे ने, और जग भी करवाते हैं, और छबील भी लगाते हैं, उन्होंने कहते निमाणी कारसी। जो सारी मजूरी कपूर सिंह के सिर पई तो किन्नी को बनती सी, किन्नी को बनती सी, 75-80 के करीब, 80-82 रुपए के करीब, 80-85 के करीब, या 90 के करीब। 80-82 के करीब, 80-82, 80-82, किन्नी मजूरी बनती है, किन्ने रुपए बनते ने, 80-82 रुपए। नेक्स्ट लिखो,
रस्सी का एक हिस्सा धम्मा सिंह सरपंच ने फड़िया हुआ सी ते दूसरा हिस्सा किसने फड़िया हुआ सी? ये तुसी लास्ट वाले पैरे ना मैं तुहानू वर्बली समझाते सी उहदे विच नाम आया नाहर सिंह अकाली ने, नोट कर लो नाहर सिंह अकाली। एक बारी रीडिंग कर लेना लास्ट टू पेजिस दे विच, मैं तुहानू उदां ही समझाती सी कहानी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज करके कि तुहानू कहा सी कि कहानी चंगी तरह रीड कर लियो। नाहर सिंह अकाली ने एक पासे फड़िया होया रस्सी का मेजरमेंट करन दे लई। नेक्स्ट, दरबारे दियां वक्खियां सेकन लई लोगड़ गर्म करके कौन लैके आया? चाची राम कौर, कपूर सिंह, बेटी हरबंस, बेटी हरबंसो जा दरबारा सिंह दी पत्नी। ओदियां वक्खियां दुख रही ने अस्थमे दे नाल, निमोनिए दे नाल, वक्खियां नू सेक देन लई लोगड़ गर्म करके, लोगड़ हुंदा रूह नू गर्म करना, कौन लेके आया? कपूर सिंह, दरबारे दी पत्नी जां दरबारे दी बेटी हरबंसो जां चाची राम कौर? दरबारे दी बेटी हरबंसो, दरबारे दी बेटी हरबंसो। दरबारे ने कपूर सिंह नू हरबंसो दा व्याह कदों करन लई पुछया कि कदों किता जावे? सौन दे महीने, हार दे महीने, अस्सू दे महीने, बोलो बेटे, जा माघ दे महीने? हार दे महीने कि कदों किता जाए? कहिंदा कम नबेड़िया हार दे महीने। दरबारे ने बंसो दा व्याह करन लई कपूर सिंह नू परले कदों पुछया कि केड़े केड़े समय किता जाए? हार दे महीने। क्लियर है बेटे? इन्ने क्वेश्चंस कर लेना और तुसी अच्छी तरह रीडिंग भी करनी है, ठीक है। हुण आपां गल करिए धनीराम चात्रिक दी कविता, केड़ी कविता पढ़ी तुसी? विसाखी दा मेला। पहले ध्यान नाल कविता समझ लो, कवि नाल रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लो। मोस्ट प्रोबेबली पहला टेस्ट तुहाडा काव्य रचनावां ते वार्तक लेखां चो होएगा। फर्स्ट टेस्ट होना तुहाडा इसे भी थर्सडे 26th नूं, ठीक है। एक 26th नूं है तुहाडा टेस्ट, एक नैक्सट वीक तुहाडा थर्ड नूं, थर्ड बनती है 3rd of September, उस तों बाद तां तुहाडे एग्जाम हो जाने स्टार्ट, ठीक है। धनीराम चात्रिक क्यों जा कवि होया? पुरातन समय का आधुनिक कवियों चो कवि है, कुदरत का कवि है जा प्रगतिवादी कवि है? आधुनिक विचारां वाला कवि, नोट करो आधुनिक कवि, आधुनिक कवि होया। नेक्स्ट नोट करो बेटे, धनीराम चात्रिक का जन्म 4 अक्टूबर 1876 ईस्वी नू, 1876 ईस्वी नू, 4 अक्टूबर 1876 जन्म। कवियां दे बारे जे क्वेश्चन आने हैं क्योंकि कवितावां दे विच्चों 4 नंबर दे क्वेश्चन है, 4 नंबर दे ही वार्तक चो है, 4 नंबर दे ही सॉरी 5 नंबर दे वार्तक चो। केड़े वार्तक लेख पढ़े दस सकते हो? केड़े केड़े वार्तक लेख है तुहाडे सिलेबस? 2 वार्तक लेख पढ़े आपां। हाँ जी बेटे, केड़े केड़े है, केड़े नेम बोलो? वहमी ताया, किस्सा लिखिया होया सुभा सिंह, बलराज सानी दा केड़ा लेख पढ़िया? मुड़ वेख्या पिंड। इनू किन्नी वेटेज दित्ती है? 5 नंबर दी दित्ती हुई वेटेज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, धनीराम चात्रिक दे पिता दा नाम बहुमल, पिता का नाम बहुमल, माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी। तुहानू पता है इहदी एक कविता है, मां बोली ते कविता है, माता का नाम लक्ष्मी देवी। ओहदे विच कविता विच ना स्टार्ट ही इदां कहिंदा, पहली माता लक्ष्मी देवी जिन्हें जन के अकल सिखाई, जान के मीन जिन्हें जन्म दे के मैनू की दित्ती है?
अकल, दूजी अम्मा मेरी भारत माता, ये जिसी धरती मेनू जनिया, तीजी मेरी मां बोली, मां बोली पंजाबी, जेहो जी मनेहो मनोहर मिठी होर कोई बोली नहीं दिखी। उन्हें कविता ही लिखी है मां बोली पंजाबी ते, उसका टाइटल ही दिता कविता का तीसरी मां, जा टाइटल होएगा उसका मां बोली पंजाबी। उसके विच की है तीन मातावां की गल की है, पहली माता लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी किनू क्या अपनी जन्म देने वाली माता, यदा मतलब उसकी माता का नाम की है लक्ष्मी देवी, जिन्हें जन के अकल सिखाई। ये हुण तुहानू अणडिठा पैरा आ सकता है क्योंकि तुहाडे सिलेबस च नहीं है कविता, तो ये अणडिठे पैरा जा सकते कि कवि की पहली माता कि हुई है लक्ष्मी देवी, उन्हें उन्होंने जन्म दे के की सिखाया, अकल सिखाई है, ठीक है। दूजी माता भारत माता, जिसकी धरती मैनू जनिया, वो कहता है जिसकी धरती में मैं जन्म लिया, ते तीजी माता मेरी मां बोली पंजाबी, एहो जी मनोहर मिठी होर कोई बोली नहीं दिखी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पिंड की है, पिंड पसिया वाला जिला सियालकोट जन्म स्थान, पिंड पसिया जिला सियालकोट जो हूं अजकल कितने है पाकिस्तान, ये सब देश की वंड तो पहला ना जदों लाहौर है पंजाब की पुराने पंजाब की राजधानी होया करती सी, पर वंड हुई तो उसका बचपन कितने बीतिया लपोको अमृतसर, लपोके अमृतसर विखे बचपन बीतिया। लेखक दे कवि नूं किस चीज नाल सब तो ज्यादा प्यार है, अपने पंजाबी सभ्याचार नाल, उस दीआं रचनावां विच्चों किसे प्रति प्यार प्रगट हुंदा है, पंजाबी सभ्याचार दे प्रति, नोट कर लो पंजाबी सभ्याचार प्रति उस नूं बहुत ही प्यार है। उस दे काव्य संग्रह लिखो बेटे, जिहड़ियां उहदियां कवितावां ने जां काव्य संग्रह ने, सूफी खाना ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ, ਮਟਕੁਲਾਰੇ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਕੰਬਦੀ ਕਲਾਈ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਅਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ, नूरजहां बादशाह बेगम किसी रचना है, धनीराम चात्रे, सूफी खाना किसी रचना है, धनीराम चात्रे। नेक्स्ट चंदनवाड़ी। नेक्स्ट है केसर क्यारी, नवा जहान। नेक्स्ट लिखो धनीराम चात्रे, किस्सा सब तो ज्यादा हमदर्द होया गरीबां दा, कित्ती कामियां दा, मजदूरां दा, किस्सा सब तो ज्यादा हमदर्द होया है, नोट करो बेटे, सच्चा हमदर्द धनीराम चात्रे, सच्चा हमदर्द किस्सा सी किरती कामियां दा। देखो दो ही कवि ने, भाई वीर सिंह च ये वाली गल नहीं है, भाई वीर सिंह तो कुदरत नूं प्यार करदे ने, भाई वीर सिंह आधुनिक विचारां वाले ने, वो समय की संभाल बारे दसदे ने, ठीक है, कुदरत नूं प्यार करदे ने, पर धनी राम चात्री किस्सा हमदर्द है किरती कामियां ते मजदूरां दा, ये होर किसी रचना विच नहीं आया ना, ये तुहानूं क्वेश्चन भुलेगा नहीं फिर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो उसकी सब तो मशहूर कविता केड़ी होई, मारदा दमामे जट मेले आ गया, मारदा दमामे जट मेले आ गया, ये रचना है, स्टार्ट अपा कितों करदे आ बेटे, दमामे मीन नगारा मारदा होया, जदों किसान अपनिया कणका की वाढ़ी करके वेला हो गया तो मेले विच पहुंचदा, तो स्टार्ट कितों करदे आ, तूड़ी तंद साहब हाड़ी वेच वट के, लंबड़ा ते शाहां दा हिसाब कट के, ये पोइम कित्ती हुई है तुसी पहला छोटियां क्लासां च, मारदा दमामे जट मेले आ गया, एंड वाली लाइन है ये कविता दी, तुड़ी तंद सांभ हाड़ी वेच वट के, लंबड़ा ते शाहां दा हिसाब कट के,
पग झग्गा चादरा नवा सवाए के कच्छे मार वंजली आनंद छा गया मारदा दमामे जट मेले आ गया। ये भी अणडिठा पैरा करांगे आपां, अणडिठा कविता दा पैरा करांगे, तुहानूं समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी आपां कल दी क्लास च करांगे बेटे।